नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कथा अक्षय वट की। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। प्रयाग में अक्षय वट की महिमा बहुत प्राचीन होने के साथ साथ सर्वविदित है। यह यमुना के किनारे किले की चार दीवारी के अंदर स्थित है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि वट वृक्ष के निकट मरने वाला सीधा विष्णु लोक को जाता है। संपूर्ण संसार के प्रलय हो जाने पर या फिर भस्म हो जाने पर भी वट वृक्ष नष्ट नहीं होता। अक्षय वट के किले की चार दीवारी 15 फीट दूरी पर है। इसकी शाखाएं चार दीवारी से भूमि पर बाहर भी यमुना नदी में लटकती है। सन 1992 में अक्षय वट के चारों ओर संगमरमर लगा दिया गया है। 1999 में अक्षय वट के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जिसमें राम लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। अक्षय वट के मूल भाग पर चारों ओर वस्त्र लपेटने पर लगभग 22 मीटर कपड़ा लगता है। इस अक्षय वट के पत्तों का अग्रभाग अन्य बरगद के पत्तों की तुलना में नुकीला ना होकर गोलापन लिए होता है। पत्ते औसत रूप से छोटे होते हैं। औरंगजेब ने इस वट वृक्ष को जलाने का प्रयास किया था परंतु वह सफल नहीं हुआ। अक्षय वट तीर्थराज प्रयाग का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पुराण कथाओं के अनुसार यह सृष्टि के और प्रलय का साक्ष्य है। नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नाश नहीं होता। प्रलय काल में जब सारी धरती जल में डूब जाती है तब भी अक्षय वट हरा भरा रहता है। बाल मुकुंद का रूप धारण करके भगवान विष्णु इस बरगद के पत्ते पर शयन करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र वृक्ष सृष्टि का परिचायक है। एक महत्व सभी शास्त्र पुराणों में कहा गया है। चीनी यात्री वेनसांग प्रयागराज के संगम तट पर आया था। उसने अक्षय वट के बारे में लिखा है कि नगर में एक देव मंदिर यानी कि पतालपुरी मंदिर है। यह अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस स्थान पर एक पैसा चढ़ाता है उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा चढ़ाने का फल मिलता है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष अक्षय वट है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली है। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मुक्ति की इच्छा से श्रद्धालु इस बरगद की ऊंची डालों पर चढ़कर कूद जाते थे। मुगल शासकों ने यह प्रथा खत्म कर दी। उन्होंने अक्षय वट को भी आम तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इस वृक्ष को कालांतर में नुकसान पहुंचाने का विवरण भी मिलता है। आज का अक्षय वट पतालपुरी मंदिर में स्थित है। यहाँ एक विशाल तहखाने में अनेक देवताओं के साथ बरगद की शाखा रखी हुई है। इसे तीर्थयात्री अक्षय वट के रूप में पूजते हैं। अक्षय वट का पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम से कहा था कि नर श्रेष्ठ तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर जाना। वहाँ से पार उतरने के लिए उपयोगी घाट में अच्छी तरह देखभाल कर यमुना के पार उतर जाना। आगे बढ़ने पर तुम्हें बहुत बड़ा वट वृक्ष मिलेगा। उसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ है और उसका नाम श्याम वट है। इसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर सीता को उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। यात्री की इच्छा हो तो यहाँ कुछ देर तक रुके या फिर वहाँ से आगे चला जाए। अक्षय वट को वृक्ष राज और ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप भी कहा गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।